प्रदेश की शिवराज सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन ने शुक्रवार को मीडिया के समक्ष प्रदेश सरकार की भावी योजनाओं और विकास कार्यों का ब्यौरा दिया, जिसमें सैकड़ों की योजनाएं स्वीकृत और अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। विधायक श्रीमती लीना जैन ने बताया कि गंज बासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिनमें गंज बासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र में 612 लाख की राशि से नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत, गंज बासुदा शहर में नवीन अस्पताल भवन हेतु 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, गंज बासुदा शहर में जयस्तंभ चौक से नई मंडी तक 1 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट कार्य स्वीकृत, एक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित है, जिनका निर्माण कार्य लगभग राशि 15 करोड़ से होगा। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भू अधिकार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम स्वनिधि एवं पथ विक्रेता योजना में ब्याज मुक्त ऋण, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ सीधे गरीब परिवार को मिल रहा है। गरीब बेटियों के लिए कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है। आज बताते हुए गर्व होता है कि प्रदेश में करीब 41 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। बेटियों को अब कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। कमलनाथ सरकार ने तो लाडली लक्ष्मी योजना को भी बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से 20 जिलों के जनजाति विकास खंडों में 7,500 से अधिक गांव के 8,68,000 परिवारों के लिए 19,704 मैट्रिक टन राशन का वितरण प्रतिमा किया जाता है। बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में सीएम राइज योजना संचालित है, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के 9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूलों की स्थापना की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 350 स्कूलों की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 3,29,000 से अधिक हितग्राही को 2,742 करोड़ रुपए से अधिक प्रदान किया जा चुका है। प्रदेश का प्रत्येक परिवार गरिमा एवं स्वामित्व के साथ जीवन यापन कर सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जाने से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।